अच्छा, आप लोगों में से कौन लोग हैं जो सिंबल्स के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं? अपने अपने हाथों को एक बार रेज करेंगे, डिजिटली रेज करेंगे। आभा जी कर रही हैं, रंजनी राय जी कर रही हैं, और कौन कर रहा है? डॉक्टर धर्मेंद्र कर रहे हैं। जस्ट थ्री तीन ही लोगों ने, तुलसीदास जी कर रहे हैं, बस चार लोग ही कर रहे हैं, बाकी किसी ने भी अपना हैंड रेज नहीं किया। ये मुझे समझ नहीं आया, राहुल जी आपने क्या लिखा है? अच्छा, माही जी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा था मैम, मैंने मैंने रिकॉर्डिंग जैसे आपकी, जैसे मनी रेकी है और करुणा रेकी है, उसकी क्लास देखी थी। तो क्लास के साथ साथ जो भी आप करा रहे थे वही कही वही किया है। अभी अलग से कुछ ऐसा नहीं कर पाया अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कमल जी भी कर रहे हैं। नहीं, आपको अलग से भी करना है, क्योंकि जब तक आप अलग से नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस के लिए आपको उसको करना पड़ेगा, और जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आपका उनके साथ कनेक्शन बनेगा। अगर आपका कनेक्शन बनेगा तभी आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, और तभी आप उसकी जो एनर्जी है उसको फील कर पाएंगे। उसके अलावा आपकी खुद की पावर्स भी इनहांस होंगी, आपकी पावर्स भी बढ़ेंगी जब आप एक एक सिंबल के साथ मेडिटेशन करेंगे। ज्यादा समय मत दीजिए, चाहे आप एक एक मिनट का ही समय दीजिए, लेकिन आप उसको समय दीजिए। ठीक है, चलिए, आज है हमारा सिंबल नंबर, हमारा जो मास्टर लेवल का हमारा सिंबल नंबर 1, नौसा। जैसा मैंने बोला कि इसको गनौसा, मतलब कई जगहों पे इसका गनौसा भी नाम होता है और नौसा भी नाम होता है। इसमें जी ए जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसलिए जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको नौसा सिंबल ही बोलते हैं। नौसा हेल्प अस इन क्लियरिंग आर माइंड फ्रॉम क्लटर एंड इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन विद द हायर सेल्फ। हमारी अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, हमारे दिमाग के अंदर जो भी हमारे कार्मिक इश्यूज होते हैं, हर तरीके की जो भी कचरा, जो भी नेगेटिविटीज, जो भी हम एक जगह पे स्टबन हो जाता है हमारा दिमाग, जब हम एक जिद्दी, बहुत जिद्दी, जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग बहुत हाइपर भी होते हैं, उन सब चीजों को खत्म करता है। और आपके जब आपके अंदर आपका मन शांत होता है तो आपका कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ हो पाता है, तो वो इसलिए हम नौसा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करता है, हमारे चक्रास को बैलेंस करता है, और हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सुन नहीं रहा होता, जैसे बहुत सारे ऐसे रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, कि वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत कुछ बोलती है लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है और उसकी वाइफ उसकी बात को नहीं सुनती है, नजरअंदाज कर देती है, या फैमिली के अंदर पेरेंट्स के साथ बच्चों के को ऐसा लगता है, या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, या किसी भी रिलेशन के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन पर आपने इस सिंबल से आप उनकी थर्ड आई पर हीलिंग करी। इस सिंबल को हीलिंग करने से पहले आपने पहले तो उनके ऑरा को क्लीन करना है। उनके ऑरा को क्लीन करने के बाद आपने अपने हाथों को भी रेकी कॉल करना है, अपने हाथों को एनर्जाइज कर लेना है, चार्ज कर लेना है, प्योरीफाई कर लेना है। आपको पता है कैसे प्योरीफाई करना होता है? दोनों हाथों को रब करते हैं, चौकोर सिंबल बना के उसको प्योरीफाई करते हैं, चौकोर सिंबल बना के उसको एनर्जी चार्ज करते हैं, देन चौकोर सिंबल बना के उसको एनर्जाइज करते हैं। इस तरीके से आपने अपने हाथों को वो कर लेना है।
आप इसमें चाहे तो सही के सिंबल बनाकर भी बैलेंस कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल रेकी में हीलिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने किसी व्यक्ति को हीलिंग करनी है, उसके साथ कनेक्शन बनाकर, जब आप उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो आपने उसकी थर्ड आई के ऊपर चौकर सिंबल बनाना है, चौकर सिंबल बनाना है। उसके बाद आपने नौ सौ चौकर सिंबल बना के आपने प्योरीफाई करना है, प्योरीफाई करने के बाद आपने नौ सौ सिंबल बनाना है। नौ सौ सिंबल अपने आप से ही बैलेंस करेगा सभी चक्रा को, उनके चक्रा को भी बैलेंस करेगा और सारी नेगेटिविटी को भी बाहर निकालेगा। उसके बाद फिर आपने एक और चौकर सिंबल बनाकर उसको एनर्जाइज करना है, या फिर आप उसको चार्ज करना है, सभी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने सैंडविच के रूप में, जैसे कि चौकोरे प्लस नौसा प्लस चौकोरे, इस तरीके से आपने इसको हीलिंग करनी है उस व्यक्ति के थर्ड आई पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में नहीं होते हैं, वो कल्पनाओं में रहते हैं। उनके जीवन में वो हर वक्त कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, और वो ही मतलब ख्याली पुलाव बनाने वाले। जब ऐसे ही सिचुएशन पर कोई व्यक्ति होता है तो वो कुछ जरूरत से ज्यादा इस तरह की सिचुएशन करना शुरू हो जाता है, ऐसे काम करने लग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पर भी आप उस व्यक्ति की नौ सौ सिंबल से हीलिंग कर सकते हैं। इनडायरेक्टली बोलने को बात है कि सोए हुए व्यक्ति को उठाना, यानी कि जो व्यक्ति अपनी दुनिया में खो चुका है, जिसको दुनियादारी की कुछ समझ नहीं है, अब उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की अगर आपको हीलिंग करनी है, अगर इस तरह के कई बार आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनको मतलब जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उनको एजुकेशन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा होता है, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो वो आपके पास आते हैं, तो आप उस सिचुएशन पर भी उनको नौ सौ सिंबल से उनकी हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टनर्स आपके पास आते हैं कि उनके जो पार्टनर है वो उनको उनकी बात को नहीं समझते हैं या उनकी बात को नहीं सुनते हैं और अपनी ही उसमें रहते हैं धुंध में, उन लोगों के लिए आप नौ सौ सिंबल को यूज कर सकते हैं। जो लोग बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी आप नौ सौ सिंबल से हीलिंग कर सकते हैं, प्लस उनके उनके हार्ट चक्र पर जुनार सिंबल से भी आप इसको हीलिंग दे सकते, ठीक है। बेसिकली इस सिंबल का जो काम होता है वो होता है प्यूरिफाई योर माइंड, अपने दिमाग का प्यूरिफाई करना, भटके हुए को रास्ता दिखाना। ज्यादातर ये सिंबल हम यूज करते हैं टीनेजर बच्चों के ऊपर, ठीक है, जो और ऐसे भी लोगों के लिए हम ये सिंबल को यूज करते हैं जो लोग, जैसे कि अगर आपका पेपर है, आपका टेस्ट है, पेपर में आपका एलजेब्रा आने वाला है 70% का और आपका ज्योमेट्री आने वाली है 30%, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे कि वो 30% पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे, 70% पे दिमाग कम लगाएंगे, यानी कि बुद्धि काम नहीं करती। मतलब जाना है इधर तो जाएंगे उधर, इस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, ऐसी पर्सनैलिटी के लोग भी अगर आपको मिलते हैं हीलिंग के लिए तो भी आप उनको नौ सौ सिंबल से हीलिंग करेंगे। और इस सिंबल का वैसे तो देखो इसको आप गोल्डन कलर से या किसी भी कलर से इसको विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर इस सिंबल का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, तो आप इसको रेड कलर से कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंबल हम उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, जो सारे दिन बस पूजा पाठ ही करते रहते हैं और वो दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कि वो सोशल हो, संसार में रहे। कहते हैं ना कि हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि कमल के फूल के समान, कि हम संसार में रहकर भी संसार से अलग हो लेकिन हम संसार के अंदर हैं। जो भी हमारे जो हमने अपने कर्मा जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, जो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, उसको भी हमें देखना है, ये भी हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जब कोई व्यक्ति अपने उस कर्तव्य अपने उस फर्ज को भूल जाता है, और 24 आवर्स आप देख लेना, बहुत लोग बहुत पूजा पाठ सारा दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, और वो बड़े उनका माइंड कुछ अलग तरीके से वो हो जाते हैं,
तो ऐसे लोगों को समाज दुनिया के अंदर लाने के लिए, सोशल बनाने के लिए ऐसे लोगों की भी आप हीलिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली पूजा पाठ, एडिक्शन, किसी भी तरह का कोई एडिक्शन है कि वो एडिक्शन में पागल हो चुका है कि उसको पता ही नहीं कि क्या है। जैसे एक पूजा पाठ जो जरूरत से ज्यादा पूरे पूरे एक दिन बैठ के पूजा कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। ड्रिंक्स कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। स्मोक कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। मोबाइल फोन खेल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया। तो एडिक्शन बेसिकली आप इसको एक शब्द दे सकते हैं। तो आप उस टाइप के लोगों के लिए भी आप 9 सा सिंबल से हीलिंग कर सकते हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है और उसकी बीमारी पता नहीं चल रही होती है, कई बार तो कुछ ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है, लेकिन तब भी कहते हैं ना कि हाँ, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके ऑरा में 6 महीने पहले बीमारी आ जाती है। लेकिन 6 महीने पहले बीमारी एकदम से हमें मालूम नहीं चलती है, और जब वो 6 महीने बाद अपना रूप लेती है तो वो एक बड़े रूप में सामने आती है। लेकिन आपको सिम्टम्स उसके 6 महीने पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं, तबीयत खराब, परेशानी, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको कोई टेस्ट नहीं आता, हर चीज आपकी रिमूव, आपकी नॉर्मल आपको शो हो रही होती है, और अचानक से आपको पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम। तो जब आपको इस तरह की बीमारी आपको आ रही है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन आपका सब कुछ नॉर्मल 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 आ रहा है, तो भी आप ये सिंबल से हीलिंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर वो पेन है, जहां से वो दर्द है। जैसे वही भी हो सकता है आपके शोल्डर में हो सकता है आपके नीज में हो, आपकी किडनी में हो, आपके हार्ट में हो, जहां पे भी, जिस भी बॉडी पार्ट में, आप वहां पर ये सिंबल को बनाकर भी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंबल अपने आप में बैलेंस भी करता है, हर चीज को बैलेंस करता है। जैसे हम आपदा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं बैलेंस करने के लिए, उसी तरीके से ये सिंबल भी आपका बैलेंस करता है। ठीक है, और हम ज्यादातर तो ये सिंबल को स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि कैसे बनाना है आपका। अच्छा, बनाने की कोई ऐसे विधि नहीं होती है कि जिस तरीके से इसमें दिया गया है, जैसे इसमें एरो डाले हैं, आपको वैसे ही बनाना है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 है, यहां से हमने स्टार्ट किया, ये आपका आ गया 1, और फिर ये यहां से आपका हो गया 2। ठीक है, आपने एरो के हिसाब से नहीं जाना है, आप देखिए ये आपका एक इन, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, इनफाइनेट, ये इनफाइनेट है, देखिए इनफिनिट, जैसे हमारा जो इनफाइनेट का साइन होता है ना, ये वैसे बने। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे, एंड ये बीच में एक साइन। ठीक है, ये हमारा है 9 सा।